फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मजदूर एक ऐसा वर्ग है जिसकी कोई जात, धर्म या मजहब नहीं है, वह सिर्फ मजदूर है। यह कभी मुद्दा नहीं रहा, लेकिन कोरोना काल में आपाधापी के बीच लगाए गए लॉकडाउन में यह वर्ग भी चर्चा का विषय और गंभीर मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी के मजदूरों के बीच आना जैसे राजनीति के शांत तालाब में पत्थर सरीखा हो गया है। वित्त मंत्री इससे जुड़े एक सवाल पर भड़क तक गई। दोनों राजनीतिक दलों के बीच मुद्दा बने मजदूर की मजबूरी, बेबसी किसी को नजर नहीं आ रही है। नजर आ रही है तो इसमें भी राजनीति। आज हम मुद्दा में इससे जुड़े कुछ छूते और कुछ अनछूते पहलू पर चर्चा करेंगे। घर घर ही होता है, मुसीबत और भूखमरी के समय में तो बिल्कुल ही। पेट की आग शांत करने घर से प्रदेश निकले थे, लेकिन अब फिर बेबसी, हताशा और जान हथेली पर रख घर की तरफ लौट पड़े हैं। पांव में छाले पड़ चुके हैं, लाचारी तपती सड़क पर छाले के रूप में दम तोड़ चुकी है। आस है लेकिन किसी भी तरह घर पहुंचने की। कई की वीरान पड़ी सड़कों ने जान ले ली तो कई की धड़धड़ाती ट्रेन ने। प्रदेश की सीमा पर पहुंचे तो उम्मीद थी कि घर की ठंडी बयार उनका स्वागत करेगी, लेकिन यहां भी पुलिस के लट खाने पड़े। सरकारी साधन ठप होने पर इन लोगों ने उन वाहनों से लंबा रास्ता तय करने का हौसला दिखाया जो शहर की गलियों तक ही महफूज माने जाते रहे हैं। आज मेरठ में भी बिहार जाने के लिए हजारों लोग रेलवे स्टेशन पर जुटे। बताया गया था कि सुबह 8 बजे से ट्रेन जाएगी, लेकिन अब पता चला है कि ट्रेन का समय बदल चुका है और वह शाम 4 बजे तक जाएगी। सिटी रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग तपती धूप में बेबसी, लाचारी, चरमराती सरकारी व्यवस्था के तमाचे झेल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो जैसे रद्दी की टोकरी में पड़े कागज सरीखे हो गई है। गरीब व असहाय है लोगों की दुश्वारियों का यह अंत नहीं है, यानी घर व सुकून अभी दूर है। तो बताइए, मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है, हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसे कि चलो भूख लगे जैसे करेंगे से कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी जैसे गरीब आदमी है, उनको कुछ करें तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे बच्चों को लेके हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा देंगे, हम जाएंगे कहाँ से जाएंगे? अम्बाला से आ रहे हैं, अम्बाला से आ रहे हैं। 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी, 500 रुपये टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है जैसा है वो बहुत एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिल जाना खाने के लिए उनको लिए। क्या काम करते थे? वो जो ईंट के लाए का, जो मिस्त्री काम करता है, बेलदारी का करते थे। 400-380 रुपये 280 रुपये मिलते थे, तो उसका ही पैसा नहीं मिला। हम लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई आप लोग? हम आ रहे हैं विष्णु गार्डन से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एटा। एटा? हाँ जी। तो पैदल जाइएगा। अब क्या करें, कुछ खाने के लिए नहीं है, रोज चावल खाएंगे, वैसे भी सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या, कोरोना हो गया, चावल खाने से भी दिक्कत आएगी नहीं, चावल ही खाएं और जाके धूप में खड़े हुए लाइन में लगे तब खाना मिलता है। तो खाने के लिए बड़ी परेशानी, लेकिन यहाँ पे तो सरकार का दावा है कि खाने का इंतजाम पूरा किया गया है। खाने पैसे ही नहीं है तो कहाँ के गंदे, और जब रूम किराया मांग रहे हैं। जो भी श्रमिक, एक तो हम प्रयास ये कर रहे हैं पूरा, कोई भी श्रमिक सड़क पे पैदल नहीं चलेगा, उन सब के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। मेरठ से ट्रेन भी लगाई गई है, तो जितने श्रमिक हैं उनको ट्रेन के माध्यम से, बसों के माध्यम से खाना पीना करा के उनको स्क्रीनिंग करा के भेजा जा रहा है। मैडम, अगर हम बात करें कि सोशल डिस्टेंस की बात लगातार हो रही है और आप लोगों के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, आज ट्रेन से जो मजदूर भेजे जा रहे हैं वहाँ की स्थिति जो है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रेन लगाई गई है उसमें पहले जो श्रमिक है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, और नंबर के हिसाब से ही, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही श्रमिकों को उसमें बैठाया जाएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो मानक है उसी हिसाब से। स्टेशन पर जमघट लग गया है मजदूर, वो हम देखा, लेकिन अगर ऐसा है हम लोग इंश्योर कराएंगे, और निर्देश जो भी
होती है सोशल डिस्टेंसिंग, उसको हम लोग पालन कराएंगे। आज पूर्ण लॉकडाउन है, उसके लिए क्या? पूर्ण लॉकडाउन है आज के दिन, क्योंकि मेरठ में थोड़ी सी स्थिति संवेदनशील है, इसलिए उसको हम लोग रोकथाम के लिए हम लोगों ने प्रिवेंटिव ये लिया है कि सप्ताह में सोमवार और बृहस्पतिवार को पूर्ण लॉकडाउन है। उसमें सिर्फ दवाई और दूध के अलावा और जो जो मेडिकल सर्विसेज है उसके अलावा पूरा लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया, उसी के तहत आज लॉकडाउन। मंडल में अगर कोई पैदल चलता है मिलता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से? सभी देखिए, हमें श्रमिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। सभी जिलाधिकारी को निर्देश ये है अगर कोई पैदल मिलता है तत्काल उसको गाड़ी से हम लोग जो होल्डिंग एरिया जहाँ बसेज अवेलेबल वहाँ लेकर जाएंगे शेल्टर होम में, वहाँ उसका परीक्षण कराएंगे, भोजन कराएंगे और फिर उसको जहाँ निर्धारित स्थान है बस में बैठा के भेजेंगे। आइए देखते हैं मेरठ के जिलाधिकारी अनिल ढींगरा इस बारे में क्या बता रहे हैं। जनपद मेरठ में आज हमें जो है 22 बोगी मिली है, जिसमें लगभग 16 तो जो है प्रवासी श्रमिक हैं, उनको हम लोग बिहार भेज रहे हैं। कल भी हमें जो है जो ट्रेन मिलेगी उसमें भी 22 बोगी रहेगी, जिसमें लगभग 16 तो और श्रमिकों को हम लोग जो है बिहार भेजेंगे। तब की व्यवस्था हम लोगों ने करा ली है, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा रहा है, सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जा रही है, सबको खाना पानी और बिस्कुट वगैरह भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लगभग 4 बजे के आसपास जो है ये ट्रेन जो है यहाँ से श्रमिकों को लेकर बिहार के लिए रवाना होगी। इसके अलावा 5:30 बजे एक जम्मू कश्मीर के लिए भी जो ट्रेन है वो भी हमारे यहाँ आएगी, हमारे मेरठ सिटी में। उसमें हमारे जनपद के लगभग 326 लोग रहेंगे, जिसमें 80 के आसपास बच्चे हैं और जो यहाँ पढ़ते थे, और इसके अलावा बाकी हमारे यहाँ के जो है श्रमिक लोग हैं इनको भी हम लोगों ने भेजने के लिए व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर और नोएडा के जो जम्मू कश्मीर के जो लोग बच गए हैं वो भी यहीं आके मेरठ आएंगे शाम को और यहीं से जो है ट्रेन में जाएंगे, इनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है। कल एक ट्रेन और बिहार की आएगी, उसमें भी हम लोग 1600 लोगों को भेजेंगे। कल हम लोगों ने जो है 457 लोगों को जो है झारखंड जो है 15 बसों से भेजा है, और जो अन्य जनपदों के लोग हैं जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको भी हम लोग बसों में बैठा के व्यवस्था करा कर उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचा रहे हैं। अभी हम सब देखने में आ रहा है कि आपके द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंस का पालन की बात हो रही है, लेकिन आज अचानक इतनी भीड़ और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जो है वहाँ पे पूरा हम लोगों ने पूरे गोले 2-2 मीटर के गैप पे लगवा दिए थे। स्टार्टिंग में जब एकदम सब लोग आए तो स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन फिर हम लोगों ने अनाउंस करके सबको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन का हिदायत दिया था और सब लोगों ने उसका पालन भी किया है। हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि किसी भी तरीके का जो है कोई भी उल्लंघन ना करे, और अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा और अन्यथा मतलब बात नहीं मानेगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहे फर्स्ट बाइट.tv और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।